गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए देखें। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट फोमैक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2013। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है, मटेरियल प्राइस वेरियंस दे रखा है। एक्चुअल प्राइस पर के जी ऑफ द मटेरियल फाउंड टू बी लेस देन द स्टैंडर्ड प्राइस इज दिस। हमसे पूछा गया है एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस, मटेरियल यूजेज वेरियंस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। चलिए फ्रेंड्स, तो जो डाटा दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक्चुअल आउटपुट हमारा है 1000 यूनिट का, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर वन यूनिट ये है हमारी 5 kg। इसका मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये हमारा हो जाएगा 5000 kg, ठीक है। चलिए, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इसका जो डिफरेंस है वो लिखा है 10 rupees per kg। और आगे ये भी लिखा है मटेरियल प्राइस वेरियंस है 51000 adverse। इसका मतलब है मटेरियल प्राइस वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपका 51000 नेगेटिव है। ये 10 rupees है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, 51000 नेगेटिव। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई, 50100 kg। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई, एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई, आगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस भी दे रखी है, कितनी है 714000, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगी, एक्चुअल प्राइस क्या होगी, 714000 डिवाइडेड बाई 5100। ये हो गया 140 rupees। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ये है -10, तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगी, 130 rupees, ठीक है। तो अब देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी निकल आई, एक्चुअल प्राइस निकल आया। अब हमसे पूछा गया है मटेरियल यूजेज वेरियंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, 5000 माइनस 5100 इनटू 130, 13000 एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, 5000 इनटू 130 माइनस 714000, 64000 एडवर्स, ठीक है। चलिए, समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच।